अनिल देशमुख के अंदर जाने और फिर अजीत पवार की 1400 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने के बाद अब बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कई मंत्रियों का पर्दाफाश करने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अब सीधे शरद पवार और उनके परिवार को अपने रडार पर लिया। शरद पवार के दाऊद इब्राहिम से संबंध की बात करने के बाद अब सोमैया ने साफ कहा कि वह दिवाली के बाद 3 मंत्रियों और 3 दामादों के घोटाले को सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि पवार परिवार के दामाद मोहन पाटिल को इतना पैसा कहां से मिला। इसके साथ ही कई और सवाल पूछकर किरीट सोमैया ने पवार परिवार को लपेटे में लिया। सोमैया ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे आगे आएं और जवाब दें। पवार परिवार के दामाद के बाद सोमैया ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इनके खाते में बिल्डर्स की ओर से काफी पैसा आ चुका है। अजीत पवार ने वह पैसा कहां ट्रांसफर किया। अजीत पवार ने अपने दामाद, बहन, पत्नी, बेटे और माँ के खातों में पैसे जमा कराए हैं। सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि अजीत पवार ने पूरे घोटाले का पैसा उनके परिवार के खाते में जमा कर दिया था। ईडी 19 दिनों से छापेमारी कर रही है। सोमैया ने यह भी दावा किया कि उनके पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। शरद पवार के बचाव में संजय राउत सामने आए और कहा कि बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। संजय राउत ने किरीट सोमैया के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध है। शिवसेना नेता ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, अपने राजनीतिक विरोधी को झूठे मुकदमे में फंसाना और केंद्रीय जांच एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ऐसा कभी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं हुआ था। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। संजय राउत ने कहा कि अब पवार साहब को भी इसमें घसीट लिया, उनके ऊपर भी आरोप लगाने लगे। बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने राजनीतिक हिसाब किताब के लिए शरद पवार जैसे देश के बड़े नेता पर आरोप लगा रहे हैं। क्या दाऊद और दूसरे लोगों के नाम लेते हैं? साथ ही उन्होंने कहा, अगर राजनीति की बात करें तो हमाम में सब नंगे होते हैं। असल में किरीट सोमैया ने मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े का समर्थन करते हुए कहा था कि एनसीपी नेता नवाब मलिक बार बार कह रहे हैं कि समीर के पिता का नाम दाऊद है जबकि उनके पिता का नाम ज्ञानदेव है। साथ ही उन्होंने सवाल पूछने वाले लहजे में कहा कि शरद पवार से जाकर पूछो कि 1993-94 में दाऊद के साथ प्लेन में कौन बैठा था। क्या शरद पवार इस बात को भूल गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।